चीन से चले आ रहे विवाद के बीच रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों की कलाई पर बांधे जाने रक्षा सूत्र के जरिए बहनें चीन के व्यापार को टक्कर देने की तैयारी में हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार को देश भर में हिंदुस्तानी राखी के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इससे चीन को 4000 करोड़ रुपये का घाटा होना तय है। कन्फेडरेशन के महामंत्री प्रवीण खंडवाल ने कहा है कि इस वर्ष की राखी को देश भर में स्वदेशी अपना करके मनाना है। उन्होंने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर चीन में बनी राखी और राखी से जुड़े किसी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही वह सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए 5000 राखियां भी भेजेगा। आपको बता दें, हर साल राखी पर 4000 करोड़ रुपये का व्यापार चीन से होता है। कन्फेडरेशन CAIT का दावा है कि देश भर में 40,000 से अधिक व्यापारी संगठन और उनके 7 करोड़ सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कन्फेडरेशन ने देश भर में भारतीय सामान हमारा अभियान नाम का एक अभियान चलाया है। कन्फेडरेशन के मुताबिक हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपये के राखियों का कारोबार होता है। इसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी लगभग 4000 करोड़ रुपये होती है और बाकी 2000 अन्य देशों की हिस्सेदारी होती है। और इस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि तैयार राखियों के अलावा राखियां बनाने में इस्तेमाल होने वाले फोम, कागज की पन्नी, राखी धागा, मोती, बूंदे, राखी के ऊपर लगने वाला अन्य सजावटी सामान चीन से आयात किया जाता है। कन्फेडरेशन के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अभियान के चलते इस साल कोई भी चीनी सामान राखी बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वजह से चीन को करीब 4000 करोड़ रुपये की व्यापारिक घाटा लगने का अनुमान है। चीन से चल रहे सीमा विवाद के मद्देनजर देश भर में चाइनीज उत्पादनों का विरोध जारी है और इसका बायकॉट किया जा रहा है। अभी चीनी राखी को बायकॉट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।